ऑलराइट, सो डे 7 है आज, और डे 7 में हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ और सर्विसेज के बारे में जानना। सो सबसे पहले है डेवॉप्स। डेवॉप्स के अंदर हमारे पास क्या सर्विसेज आती है? हमारे पास आता है एजर डेवॉप्स सर्विसेज। अब एजर डेवॉप्स क्या है? लाइक IoT, लाइक AI, डेवॉप्स का भी एक सेपरेट ट्रैक चलता है, एजर डेवॉप्स करके वो ट्रैक है। AZ 400 में आता है, AZ-400 में आता है। एजर डेवॉप्स के अंदर हम उन सारी सर्विसेज की बात करते हैं जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाइपलाइन बनानी है, आपके कोड को गिट रेपोजिटरीज में आपने रख रखा है, उनको कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन से, स्प्रिंट चलानी है, स्टोरीज बनानी है, जितने भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के काम होते हैं, राइट? जो भी आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल यूज कर रहे हो, एजाइल वगैरह, वो सारा काम आपका एजर डेवॉप्स में होता है। इन शॉर्ट, इन लेमेंस टर्म, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है AZ-900 में डेवॉप्स के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज होता है। तो मोस्टली इस पे कौन काम करते हैं? डेवलपर्स और डेवॉप्स के बंदे जो कोड को डिप्लॉय करते हैं ताकि वो एप्लीकेशन पे जाए, कोड को पाइपलाइंस के थ्रू, बिल्ड्स के थ्रू, रिलीजेस के थ्रू उनको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे गिट रिपोजिटरीज का यूज होता है, जिसमें आप अपना कोड रख सकते हो फॉर वर्जन कंट्रोल। यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं, डेली मीटअप आप रख सकते हो, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के लिए जो उस पर काम कर सके, उनको स्टोरी पॉइंट्स दे सकते हो कि ये स्टोरी के 2 पॉइंट है, इसको आपको विद इन 3 डेज या 4 डेज काम करना है इसके ऊपर। तो इस तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एजाइल बेस्ड आपका डेवऑप्स पे हो जाता है। तो ऑल इन ऑल आपके जो तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो बस इतना आएगा कि व्हाट इज दैट एजर डेवऑप्स सर्विस व्हिच इज यूज्ड फॉर कोलैबोरेशन टूल्स लाइक पाइपलाइंस, गिट रिपोजिटरी, कैनबन बोर्ड्स। अगर कहीं भी आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज दिखते हैं तो इसका मतलब वो कहाँ पे यूज हो रहा है? एजर डेवऑप्स सर्विसेज में। अब क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है इसका, इसलिए हम इसमें आगे जा नहीं सकते हैं। इसके लिए इसका एक पूरा ही सेपरेट ट्रैक है, तो वो अलग चीज है, वो इसमें इंक्लूड होता ही नहीं है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि एजर डेवॉप्स सर्विसेज हो किस लिए, यूज किस लिए हो रही है? एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। सेकंड आता है एजर डेव टेस्ट लैब। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ एनवायरमेंट्स बनाने होते हैं क्विकली, और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज आपने देखा होगा जब हम ऑन प्रोमाइसिस पे ट्रेडिशनल मैनर पे काम करते हैं तो आपको कोई चीज टेस्ट करनी होती होगी, तो आप क्या कहते होगे, यार मुझे 4 VM बना के दे दो, उनको इस नेटवर्क में डाल दो, मैं उन उस VMs पे अपना सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, उनको टेस्ट करके देख लूंगा, एक तरह से POC कर लूंगा मैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, राइट? या आपका कोई डेवलपमेंट एनवायरमेंट है जो आपने डेवलपर्स को दे रखा है, जहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, POC कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी तो आपका इंफ्रा लगेगा, VMs लगेंगी और ये सारी चीजें लगेंगी। अब आपने क्या कहा कि आपने कहा कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पे कुछ चीजें वेस्ट ना हो, फटाफट क्रिएट हो जाए, कॉस्ट भी कंट्रोल्ड रहे, और क्विकली मैं उन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दूं, क्विकली मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, ऐसा कुछ चीज हो सकता है? तो उन इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो आप POC डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, एजर ने आपको प्रोवाइड किया एजर डेव टेस्ट लैब। होता है क्या एजर डेव टेस्ट लैब में, यहाँ पे आप क्विकली, लेट सपोज आपको 5 VM चाहिए और जिसमें ऑटोमेटिकली आपको एक सॉफ्टवेयर डालना है, उसको टेस्ट करके देखना है, आपने फटाफट से बनाया, डिप्लॉय करी वर्चुअल मशीन, टेस्ट करी, काम किया उनके ऊपर, और आपने कहा चलो मेरा काम हो गया, इसको सेव करके रख लेता हूँ और रिसोर्सेज को डिलीट कर देता हूँ। तो आपका क्या होगा कि डेव टेस्ट लैब में आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपने बनाए हैं VMs वगैरह, वो तो आप डिलीट कर सकते हो, वो तो आप उसी के उसी टाइम डिलीट कर सकते हो। बट अगर आपको रिक्रिएट करना हो दोबारा से, तो क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव कर रखी है, आप उसको रिक्रिएट भी कर सकते हो। जैसे आज आप POC कर रहे हो किसी एनवायरमेंट की, किसी सॉफ्टवेयर की, आपने 4 वर्चुअल मशीन खड़ी करी, आपका काम हो गया, 5 दिन बाद आपको याद आया यार एक चीज और छूट गई थी, हमें वो भी फटाफट ट्राई करनी है, तो आप उस एनवायरमेंट को रिक्रिएट करने के लिए आपको टाइम लगेगा अगर आप जनरली करोगे तो। बट डेव टेस्ट लैब में क्योंकि आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रखी है, फटाफट से वही एनवायरमेंट आपको दोबारा मिल जाएगा और आप दोबारा उस पर काम कर सकते हो। बहुत सारे यूज केसेस हैं इसके, हम ट्रेनिंग्स में भी यूज करते हैं इसे। जैसे ट्रेनिंग्स में हमें एक
सिमुलेटेड या लैब बेस्ड एनवायरनमेंट देना होता है अपने स्टूडेंट्स को, तो हम वहाँ पे क्या होता है कि लैब तो एक ही है राइट, और जैसे जिस जिस स्टूडेंट को देनी है हम उस स्टूडेंट को वो लैब दे देते हैं। अब क्या होता है जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, हमारी तो कॉस्टिंग चल रही है, जैसे ही मतलब जैसे ही वो लैब्स हमने उनको दी है, वीएम्स वगैरह या जो भी कुछ दिया है स्टूडेंट्स को, तो जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक वो तो कॉस्टिंग चल रही है उसकी। जैसे ही उनकी लैब्स कंप्लीट हो गई, जैसे स्टूडेंट ने कहा कि हमारी लैब्स खत्म हो गई, हमने फटाफट से क्या किया, हमने सारे के सारा इंफ्रा डिलीट कर दिया, हमने सारी वीएम्स जो बनी हुई थी, सारे रिसोर्सेज जो थे वो डिलीट कर दिए। नेक्स्ट डे फिर से क्लास शुरू हुई, हमने उसी टाइम दोबारा क्रिएट किया, 1-2 घंटे के लिए जब उनको लैब्स चाहिए थे हमने उनको क्रिएट करके दे दिया, उन्होंने लैब्स पे काम किया और देन फिर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर आपको ऐसा टेम्पररली कोई इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें आपका कॉस्ट भी कंट्रोल रहे और वेस्ट भी ना हो चीजें फालतू में, तो उसके लिए आपका एज्योर डेव टेस्ट लैब आपको मिल जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं एज्योर ऐप सर्विस। अभी तक हम एप्स की बात कर रहे थे काफी ज्यादा, लॉजिक एप्स, एपीआई एप्स, फंक्शन ऐप, वेब ऐप, ये सारी एप्लीकेशंस कहाँ पे आपको मतलब ऐसी कौन सी सर्विस है जो ये सारी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करती है, वो है एज्योर ऐप सर्विस। बेसिकली हम इसको प्राइमरली यूज करते हैं वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए। पहले इसके अंदर एपीआई एप्स और लॉजिक एप्स भी इंक्लूड होती थी, बट अब वो इंडिपेंडेंट बना दी गई है। एक तरह से आप कह सकते हो इसी के अंदर ही है, तो जितनी भी एप्स होती है वो सारी इसी के अंदर कैलकुलेट होती है, बट द ओवरऑल सर्विस का जो नाम है वो एज्योर ऐप सर्विस है। तो यहाँ वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे मिलती है आपको जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। डेवऑप्स ऑप्टिमाइजेशन, दैट मींस आपकी एप्लीकेशन एज्योर डेवऑप्स से कनेक्टेड हो सकती है। मैंने क्या बताया था, डेवऑप्स यूज होता है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए राइट, कोड को रखने के लिए। तो अगर आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो उसका कोड कहाँ रख सकते हो, गिट रेपोजिटरीज का यूज करके, डेवऑप्स का यूज करके वहां रख सकते हो, वहां की पाइपलाइन से पुश कर सकते हो। तो डेवऑप्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि ये डेवऑप्स से कनेक्टेड रहती है, ग्लोबल स्केल विद हाई अवेलेबिलिटी, इनहेरेंटली हाईली अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है, कनेक्शंस टू सैस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन प्रमाइसेस डेटा, अलग अलग सैस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकती है, ऑन प्रमाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हो आप अपनी वर्चुअल अपनी एप्लीकेशन को। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है वो सारी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस आपको यहाँ भी मिलते हैं। कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं आपको यहाँ पे, जो टेम्पलेट्स आपको आप यूज करके, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है उनका यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आप विजुअल स्टूडियो से अपना कोड डेवलप कर रहे हो तो ये एप्लीकेशन विजुअल ये ऐप सर्विस विजुअल स्टूडियो से भी इंटीग्रेटेड होती है, तो आप डायरेक्टली अपना कोड विजुअल स्टूडियो से भी एज्योर ऐप सर्विस पे डाल सकते हो। एपीआई एंड मोबाइल फीचर्स आपको मिलते हैं इसके अंदर, एंड सर्वरलेस कोड, क्योंकि ये एक पैस सर्विस है, अगेन यहाँ पे आपको सर्वरलेस सिनेरियो मिलता है, सर्वर कोई वीएम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसपे आ जाके आप काम करते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि एज्योर ऐप सर्विस के बारे में हमने बात तो कर लिया, अब एक एप्लीकेशन बना के देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करती है। तो आपको पहले याद होगा कि हमने लास्ट टाइम वीएम पे बनाई थी एक एप्लीकेशन, जिसमें हम वीएम पे गए थे, आईएएस इंस्टॉल किया था, फिर हमने कंटेनर पे बनाई थी, जिसमें कंटेनर पे हम गए थे, सर्वरलेस थी, लेकिन हमने क्विक स्टार्ट से कोड लेके उसका एक जो उसका प्री डिफाइंड इमेजेस थी वो लेके हमने कंटेनर पे भी एक एप्लीकेशन बनाई थी। अब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं एज्योर ऐप सर्विस का यूज करके, ठीक है? ये कुछ कुछ सिमिलर है कंटेनर से, बट डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखते हैं एज्योर ऐप सर्विस, ये आ गया आपके ऐप सर्विसेज। यहाँ पे ये आप देख सकते हो फंक्शन ऐप जो हमने क्रिएट करी थी कहाँ आ रही है, ऐप सर्विसेज के अंदर ही आ रही है। वेब एप्लीकेशन करोगे वो भी यहीं पे आएगी, मोबाइल एप्लीकेशन करोगे वो भी यहीं पे आएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, सबसे पहले ये मांगेगा आपका रिसोर्स ग्रुप, तो मैंने इसको रिसोर्स ग्रुप दे दिया। वेब ऐप का नया नेम बाई डिफॉल्ट डॉट एजर वेबसाइट डॉट नेट अपेंड होता है इसमें। कंटेनर में भी एक नेम अपेंड था इफ यू रिमेम्बर, बट उसका नेम अलग था, जो उसके आगे अपेंडेड था वो अलग चीज थी। तो यहाँ देते हैं माय वेब ऐप, सब नंबर दे दिया इसको। अब ये क्या कहता है कि आपका कोड क्या है राइट, कैसा कोड है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो फंक्शन ऐप जैसा आपको लगेगा, जो फंक्शन ऐप इंफॉर्मेशन मांग रही थी वैसे ही इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये आपका कोड क्या है, आपका कहाँ कहाँ पे है कोड, आपका कैसे
कैसे यूज करोगे आप वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप आपकी यहाँ पे आपको दिख रही होंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे मांग रहा है। तो अगर मैं पब्लिश में देखता हूँ तो पब्लिश के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोड तो हमने लास्ट टाइम देखा था फंक्शन ऐप में कि आप कोड में देख सकते हो कि कौन सा कोड आपको चाहिए डॉट नेट कोड, जब हमने फंक्शन ऐप बनाई थी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डॉकर कंटेनर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार कंटेनर्स भी हैं हमारे पास, एजर कंटेनर इंस्टांसेस भी हमने यूज किए, एजर ऐप सर्विसेज भी है हमारे पास, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। एप्लीकेशन तो वो भी होस्ट कर रहा है, एप्लीकेशन यहाँ पे भी होस्ट हो रही है और कंटेनर यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। एज सच अगर आप देखोगे इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी डिफरेंस कुछ नहीं है, वो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, ये भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, वो भी आपको सर्वरलेस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी सर्वरलेस प्रोवाइड कर रहा है। चीजें कहाँ पे आती है, अगर मैं कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, कंटेनर्स जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूट बेस्ड है, ठीक है, वहां पे आपको कंटेनर्स का एक्सेस होता है, आप कंटेनर्स पे जा सकते हो, कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये तो चूज कर रहे हैं कि मेरा कोड जो पब्लिश हो रहा है वो डॉकर कंटेनर में हो रहा है, बट इस कंटेनर पे भी मुझे कोई एक्सेस नहीं है इस टाइम पे। तो आप समझ रहे हो, जो जो एजर कंटेनर इंस्टांसेस थे, अगर मैं यहीं पे बनाता हूँ डुप्लीकेट, और मैं चलता हूँ एजर कंटेनर इंस्टांसेस पे जो मैंने पहले बनाए थे, अच्छा वो गायब हो चुका है इस टाइम पे। सो पहले मैंने जो कंटेनर इंस्टांस बनाया था वो हमारा यहाँ पे अवेलेबल था हमें, राइट, उसमें कंटेनर्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, कितने कंटेनर आए। इफ यू रिमेम्बर, अगर आप पुरानी वीडियो मेरी चेक करोगे तो उसमें दिख रहा था कितने कंटेनर्स बने हैं, आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते थे, काफी कुछ आपके हाथ में था इन टर्म्स ऑफ कंटेनर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आपके पास डायरेक्ट कोड डालने का ऑप्शन है कि आप छोड़ो कंटेनर्स वगैरह ये सब, कोड डालो, पीछे की बैकएंड वीएम हम डिसाइड कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले और हम देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि वीएम बेस्ड अगर आपको नहीं डालना, ये वीएम बेस्ड ऑप्शन है जो आपको मिल रहा है, बट आपको वीएम पे कोई एक्सेस नहीं है, आपको प्लान मिलेगा उसमें अकॉर्डिंगली आपको पीछे आपका कोड डाल दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप वीएम बेस्ड यूज मत करो, कंटेनर बेस्ड यूज करो, इसमें भी क्या होगा आपको बैकएंड पे कंटेनर मिलेगा। तो अभी आपको ये समझना है कि इन द केस ऑफ वीएम और इन द केस ऑफ कंटेनर, बोथ इन बोथ द केसेस, पहले केसेस में आपको वीएम मैनेज करनी पड़ रही थी वो तो अलग ही सीन था, आईएएस बेस्ड सीन, दूसरे वाले केस में आपको कंटेनर्स मैनेज करने पड़ रहे थे, तो इवन दो इट वॉज सर्वर लेस बट आपको कंटेनर्स तो देखने पड़ रहे थे ना वहाँ पे, राइट। तो और एक्चुअली में एजर कंटेनर सर्विसेज को हम सर्वरलेस बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप मैनेज तो कंटेनर्स कर ही रहे हो वहां पे ना, और कंटेनर्स तो आपके कंप्यूट में आते हैं। तो अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो कभी भी हमने सर्वरलेस के अंदर एजर कंटेनर इंस्टांसिस को और एजर कुबरनेटिस सर्विसेज को काउंट नहीं किया, ऑल्दो हम उनको पैस सर्विसेज कह देते हैं और कंप्यूट में, एजर कंप्यूट में हम उसे गिनते हैं, बट वो एसेंशियली कभी भी आपकी सर्वरलेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका कंटेनर तो मैनेज हो रहा है और कंटेनर एक तरह से क्या है, कंप्यूट है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोड यूज करते हो तो बैकएंड में आपको वीएम मिलेगी जिसको आपको मैनेज नहीं करना, डॉकर कंटेनर यूज कर रहे हो तो बैकएंड में कंटेनर मिलेंगे जो आपको मैनेज नहीं करने, कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, अगर मैं कोड यूज कर रहा हूं तो ये तो सेम फंक्शन ऐप की तरह ही हो जाएगी, हाँ कोई फिर तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि फंक्शन में भी हमने सेम क्लियर किया था, हाँ कोई डिफरेंस नहीं है रहेगा, ना। बट ये एजर वेब एप्लीकेशन बनेगी, चलेगा उसी हाँ, तरीके उसमें से हमने जैसे, कोड, हाँ उसमें चलेगा हमने उसी तरह कोड से रन जैसा किया फंक्शन था। ऐप चलता है, कोड डाला और कोड का आउटपुट मिल गया, लेकिन ये HTTP और HTTPS बेस्ड बन जाएगी, ये वेब एप्लीकेशन बन जाएगी। चला ये भी कोड रही है, कोड आप यहाँ पे भी सेलेक्ट करोगे कि कौन सा आपका कोड है, डॉट नेट का कोड है, ASP डॉट नेट का कोड है, जिसका जिसका मर्जी कोड है, राइट। बट वो एक तरह से जो आउटपुट बेस्ड कोड होता है उसके लिए यूज होती है, ये एक तरह से एप्लीकेशन के कोड के लिए यूज हो रही है, वेब एप्लीकेशन के कोड के लिए, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज है सेम।
दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बैकएंड पे एक वीएम चल रही है जो उस कोड को होस्ट कर रही है, आपको रिजल्ट दे रही है, एक में आउटपुट दे रही है, एक में एप्लीकेशन बना के दे रही है, ठीक है। बट जो मेन चीज यहाँ पे आती है वो है डॉकर कंटेनर की। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है, तो ये आप चूज कर सकते हो कि अगर आप कंटेनर ले रहे हो तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के होने चाहिए, लिनक्स या विंडोज। ओके, और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस दो ही ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा चूज करना चाहते हो। यहाँ पे मैं कहता हूँ लिनक्स चूज करना चाहता हूँ मैं, एंड लोकेशन लोकेशन चूज कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी मुझे ठीक लगती है, यूजुअली ईस्ट यूएस में हमें बनानी चाहिए। और उसके साथ साथ ये ना एक प्लान भी बना रहा है जिसे हम कहते हैं ऐप सर्विस प्लान। अभी ऐप सर्विस प्लान क्या है, क्योंकि यहाँ पे वीएम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कंटेनर इन्वॉल्व नहीं है, तो आप डिसाइड, आपको याद होगा जब हमने कंटेनर बनाया था तो एक इमेज बनाई थी, इमेज के अंदर ही साइज डिफाइंड था कि उस एप्लीकेशन को कितना साइज मिला हुआ है, कितना रैम मिली हुई है, कितना परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसिंग पावर मिली हुई है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं एजर ऐप सर्विस के अंदर, तो हमें एक प्लान बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ऐप सर्विस प्लान। अब ये ऐप सर्विस प्लान क्या होता है, ये ऐप सर्विस प्लान मल्टीपल टाइप्स में आपको मिलता है। ये स्टार्ट होता है आपका बेसिक से, सॉरी फ्री से, F1 फ्री है, जिसमें आपको 1 GB मेमोरी मिलेगी और 60 मिनट पर डे का कंप्यूट मिलेगा, मतलब आप 60 मिनट के लिए अपनी एप्लीकेशन चला सकते हो कम्प्लीटली फ्री। फिर आता है बेसिक, जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, B1, B2, B3, देख सकते हो कितनी मेमोरी मिल रही है, कितना कंप्यूट मिल रहा है। अब आप देख रहे हो कि कंप्यूट कैसे कैलकुलेटेड है, ए सीरीज कंप्यूट मिल रहा है। ए सीरीज क्या है, वर्चुअल मशीन की सीरीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसका प्राइस भी दिया हुआ है। उसके बाद आता है फ्री के और बेसिक के बाद आता है हमारे पास प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आपके प्राइसिंग टीयर्स हैं, जिसमें आपको 8 GB तक मेमोरी मिलती है, VCPUs मिल रहे हैं, आप देख रहे हो कॉस्ट भी बढ़ रही है, सम एडवांस फीचर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, और आइसोलेटेड भी मिल रहा है जिसमें आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहती है ऑन द बैक एंड। कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, कि हमारी इन जनरल क्या होता है कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बैक एंड में, जिस वीएम पे, जो वीएम आपको बैकएंड पे मिली है उसमें आपकी एप्लीकेशन भी चल रही है और किसी और की भी चल रही होगी। बट क्योंकि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिनकी एप्लीकेशन को आइसोलेटेड हार्डवेयर पे रहना है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट पे रहना है, तो आप चूज कर सकते हो ये प्लान आइसोलेटेड वाला। इसमें क्या होता है, आपका जो ऐप सर्विस प्लान है जो क्रिएट हो रहा है, वो आपको एक आइसोलेटेड डेडिकेटेड इन्वायरमेंट देता है ऑन द बैक एंड, जिसमें और किसी की एप्लीकेशन नहीं मिलेगी आपको। तो इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐप सर्विस प्लान जरूरी है मेमोरी साइज कंप्यूट ये सब प्रोवाइड करने के लिए ऐप सर्विसेज के अंदर, क्योंकि यहाँ वीएम नहीं है तो हम वैसे तो चूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ऐप सर्विस प्लान यूज करते हैं। और एक ऐप सर्विस प्लान के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन रिजाइड कर सकती हैं। अगर मेरी मैंने ये एप्लीकेशन बनाई, यहाँ पे मेरे को 210 ACU और 3.5 GB मेमोरी मिल रही है, और मेरी एप्लीकेशन यूज कर रही है बस 100 ACUs और 1 GB मेमोरी, तो बाकी तो मेरी बच रही है, तो ये आप शेयर कर सकते हो, इस ऐप सर्विस प्लान को आप दोबारा यूज कर सकते हो किसी और एप्लीकेशन के लिए। सो ये डिवाइड हो जाता है, जो ये कंप्यूट है, जो ये मेमोरी है, ये डिवाइड हो सकती है अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आती है डॉकर। अब मैंने कहा था कि ये कंटेनर है, लेकिन आपको कंटेनर मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन होंगे जैसे क्या है, सिंगल कंटेनर चाहिए आपको या डॉकर कंपोज चाहिए, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। इमेज कहाँ पे पड़ी है आपकी, ये रिमेम्बर आपका हमने जब बनाया था ACI, वहां पे भी ऑप्शन आया था क्विक स्टार्ट इमेजेस ले लो या कंटेनर रजिस्ट्री में ले लो, राइट, या डॉकर हब में रख लो। तो ऐसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे कंटेनर्स वाले हैं, बट आपको बनाने के बाद इसको कंटेनर की तरह मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंगल कंटेनर ही ले रहा हूँ, मुझे एक ही चाहिए, और मेरे जो इमेज सोर्स है वो क्विक स्टार्ट ले सकता हूँ मैं, या फिर मैं डॉकर हब ले सकता हूँ। मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड की पब्लिक इमेज पड़ी है, तो उसका नाम मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ये आप भी यूज कर सकते हो, ये फ्री है, ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट की एज़्योर कंटेनर इंस्टांस की ACI लिखा है, इसकी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, मैं इसका पेज दिखा दूंगा आपको।
ठीक है, तो ये मैंने डॉकर हब से ले ली, क्योंकि क्विक स्टार्ट तो हमें पता ही है, हमने एजर कंटेनर इंस्टांसेस में देख लिया। अभी हम क्या ले रहे हैं, डॉकर हब एक प्लेस है जहाँ पे आप इमेजेस रख सकते हो, वहां से हम पब्लिक इमेज ले रहे हैं जिसका ये नाम है Microsoft/ACI Hello World। स्टार्टअप कमांड की अभी जरूरत नहीं है, मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, टैग इज नॉट रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन इनसाइट है हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे बंद कर सकते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट, सो क्रिएट करते हैं और अब आप देखोगे कि जस्ट लाइक कंटेनर, ये भी आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करता है जिस पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको आपकी एप्लीकेशन का वेब पेज डिस्प्ले होके दिख जाएगा। राइट, सो एनी क्वेश्चन सो फार इसमें, एज़्योर ऐप सर्विस में? अगर आपको कोई लगता है तो बताइए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, चेक किया कुछ ऑलमोस्ट, मतलब किया ही हुआ है ऑलमोस्ट सारा कुछ। हाँ राइट, इसका वेट करते हैं हम जब तक ये क्रिएट होता है। अब आप देख रहे हो कि ऐप सर्विस प्लान बन गया हमारा, राइट? तो अब इसके बाद एप्लीकेशन बनेगी जो कि इसके ऊपर होस्ट होगी, ऐप सर्विस प्लान के ऊपर। लेकिन अगर अब जैसे हम कोई भी सर्वलेस बनाते हैं, लेकिन बैकएंड में ये जो भी बनाता है ये रिसोर्स दिखाता है यहाँ पे कि मैंने वीनेट हाँ बनाया उसके लिए, तो हाँ मतलब लेकिन हम हमें हमें उस पर एक्सेस नहीं होता, बट बैकएंड पे इट क्रिएट्स ऑल दी रिक्वायर्ड थिंग्स कि हाँ जो यहाँ हाँ हाँ दिखती हैं नीचे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं ये नोटिस कर रहा था। तो ये मेरे को यूआरएल मिल गया। अगर मैं अब यहाँ देखोगे आप, ये कंटेनर जैसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ये कंटेनर्स में ऐसे ऑप्शन कहाँ आते थे? नहीं आते थे, राइट? तो ये अलग तरीके से काम करता है, इसमें आपके ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं, राइट? बट इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐप सर्विसेज के बारे में आगे आएगा ये, बट अभी के लिए इतना बहुत है। तो ये मेरा यूआरएल मुझे मिल गया, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको जो मैंने कहा था एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस का डिफ़ॉल्ट वेब पेज का जो इमेज है वो यहाँ से ये आपको पेज डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो ये आपका एज़्योर ऐप सर्विस हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे लेसन 5 की ओर। लेसन 5 है ऑल अबाउट मैनेजमेंट टूल्स। तो ये तो हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया क्या होती हैं सर्विसेज। हम बता सकते हैं कि अच्छा ये नाम है तो अच्छा इसका काम ये है, इतना तो हम अब एक्चुअली बता सकते हैं कि नाम से हम जितनी सर्विसेज हमने पढ़ी है हम उनको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये यूज किस लिए हो रही है। तो ये हमारा मेन गोल था। अब बात कर लेते हैं एज़्योर मैनेजमेंट टूल्स की। जब मैं एज़्योर मैनेजमेंट टूल की बात करता हूँ तो ये एक्चुअली वो टूल्स हैं जिसकी मदद से आप एज़्योर पे काम कर सकते हो। कुछ क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उन सब के लिए आपके पास कुछ मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए। अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो किसमें किया है? वो किया है हमने एज़्योर पोर्टल पे, राइट? बट क्या पोर्टल ही एक चीज़ है? प्राइमरली आप पोर्टल पे ही काम करोगे, GUI इंटरफेस है, ईजी होता है, समझने के लिए भी आसान रहता है, बट जरूरी नहीं है कि आप पोर्टल पे ही काम करोगे। बहुत ज्यादा बल्क वाला अगर काम है, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव अगर कोई काम है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको पावर शेल आनी चाहिए, आपको एक ओपन सोर्स कमांड लाइन इंटरफेस भी है हमारे पास जो थोड़ा बहुत सिमिलर है आपका, पावर शेल तो ऑब्वियसली बात है ये पावर शेल माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी है, तो ये अपना सिंटेक्स यूज करेगी। देन पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ओपन सोर्स एरियाज, उनके लिए कमांड लाइन इंटरफेस है, इनकी इनकी कमांड्स सिंपल होती हैं एज कम्पेयर टू द पावर शेल कमांड। और जो बंदे लिनक्स साइड से आ रहे हैं या मैक की साइड से आ रहे हैं उनके लिए ये कमांड लाइन इंटरफेस ज़्यादा ईजी रहता है। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड शेल है जो बोथ पावर शेल एज वेल एज कमांड लाइन इंटरफेस देता है आपको इन साइड एज्योर पोर्टल। ये दोनों जो चीज है, एज़्योर पावर शेल एंड एज़्योर कमांड लाइन, ये डाउनलोडेबल है, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर पे, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके लिए एज़्योर क्लाउड शेल है जो इनबिल्ट है एज़्योर के ब्राउजर के अंदर, पोर्टल के अंदर इनबिल्ट है। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, आप गूगल प्ले से या आईफोन के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और डेवलपर्स ऑल्सो एक्सेस कर सकते हैं इसे REST API के थ्रू। ठीक है, तो हमारा फोकस अभी इस पर्टिकुलर लेसन में रहेगा
Azure PowerShell, Command Line Interface and Azure Cloud Shell पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनदर एजर सर्विस विच इज एजर एडवाइजर। अब एजर एडवाइजर क्या है? एजर एडवाइजर एक सर्विस है, इसके नाम से आपको पता लग गया होगा क्या करता है, ये एडवाइस देता है। एडवाइस किस पे देता है? अभी तो इसमें आपको चार दिख रहे हैं बट रिसेंटली ये पांच हो गए हैं, तो मैं आपको जाता हूँ एजर पोर्टल पे, यहाँ से दिखाता हूँ एडवाइजर। ठीक है, तो आपको उसमें तो चार दिख रहे होंगे बट ये बढ़ गए हैं, ये चेंज होता रहता है काफी फ्रीक्वेंटली, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो भी आज आप पढ़ रहे हो चीजें, जरूरी नहीं है कि 2, 4, 5 महीने बाद वो चीजें सेम रहे, एडिशंस हो सकते हैं, रिमूवल हो सकती हैं चीजों का, तो इसके लिए हमें क्लाउड में चीजें पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। तो ये एडवाइजर है, एजर एडवाइजर है, ये एजर सर्विस है एक, जस्ट लाइक VM, जस्ट लाइक एजर एप सर्विस एंड अदर सर्विसेज। ये हमें एडवाइजेस देता है बेस्ड अपॉन कॉस्ट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड परफॉर्मेंस। पांच डिफरेंट कैटेगरीज में हमें एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ये आपको बताएगा कि लेट सपोज आपने एक VM बना ली, उसका साइज ज्यादा है लेकिन आप बहुत टाइम से उसके साइज को प्रॉपरली यूज कर ही नहीं पा रहे हो। आप 10-20% CPU यूज कर रहे हो, लेट सपोज आपकी 16 GB RAM है, आप 2 GB RAM यूज कर रहे हो उसकी, तो ये आपको यहाँ कॉस्ट में वो चीज दिखाएगा कि ये जो आपका रिसोर्स है ये अंडर यूटिलाइज है, इसको यूज करो या छोटे रिसोर्स पे आ जाओ, एक VM सेलेक्ट कर लो जो छोटे साइज में है ताकि आप कॉस्ट बचा सको। तो कहीं भी आपका एक्स्ट्रा यूसेज हो रहा है या कम यूसेज हो रहा है, वो सारी चीजें अगर आपके कॉस्ट को अफेक्ट कर रही हैं तो कॉस्ट बेस्ड एडवाइजरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसको आप यूज करके अपने रिसोर्सेज को कम या ज्यादा कर सकते हो, उनके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। सिक्योरिटी, कोई पब्लिक IP खुली हुई है जिसमें DDoS अटैक हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा यहाँ से। किसी वर्चुअल मशीन पे फायरवॉल रूल्स लगे हैं बट एनी कर रखा है आपने, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन कर रखा है, तो इट्स मोर लाइक सिक्योरिटी थ्रेट, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी मैं अगर इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ रिकमेंडेशन दिख भी रही है मुझे, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही है यहाँ पे। एक रिकमेंडेशन देखते हैं, ये कह रहा है फंक्शन ऐप शुड बी एक्सेसिबल ओनली ओवर HTTPS, मतलब अगर आप HTTP पे कर रहे हो तो ये पोटेंशियली सिक्योर नहीं है, इसको ओनली HTTPS कर दो फटाफट, राइट। एंड ये कह रहा है स्टोरेज अकाउंट पब्लिक एक्सेस शुड बी डिसअलाउड, स्टोरेज अकाउंट को पब्लिकली एक्सेसिबल मत होने दो इफ यू वॉन्ट इट टू बी मोर सिक्योर। तो ये काइंड ऑफ रिकमेंडेशन हमें देता रहेगा और इन रिकमेंडेशन को समझ के जान के एडवाइजर पे आके मुझे अगर अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सिमिलरली रिलायबिलिटी के ऊपर आप यहाँ से देख सकते हो रिकमेंडेशन, ऑपरेशनल एक्सेलेंस यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे अचीव कर सकते हो ऑपरेशनल एक्सेलेंस, यहाँ पे आपको अलर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि भैया ये अलर्ट आ रहा है एंड जैसे ही ये अलर्ट आएगा ये आपको ये आपके रिसोर्सेज इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस पे पहले ही काम कर लो आप, राइट। सो इससे आपकी ऑपरेशनल एक्सेलेंस बरकरार रहेगी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, अगर आपके कुछ रिसोर्सेज अगेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं बट यू नो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिकमेंडेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑल इन ऑल आपको एडवाइस करता है, आपको रिकमेंडेशन देता है ऑन दीज 5 डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये आपका एजर एडवाइजर है। पहले चार थे, हाई अवेलेबिलिटी एक था, अब ये हट गया है, अब है आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है मैनेजमेंट टूल्स की। ओके, तो मैनेजमेंट टूल्स की जब हमने बात करी तो हमने कहा था कि पावर शेल भी है, क्लाउड शेल भी है और इन इन ब्राउजर भी मिल जाता है आपको, लेकिन एक चीज आती है ARM टेम्पलेट। अब ये क्या है, इसको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजर पोर्टल पे जाना पड़ेगा किसी भी रिसोर्स पे। ठीक है, जैसे हम वर्चुअल मशीन पे चले गए, आपको याद है जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाई थी तो मैंने कैसे बनाई थी, मैंने यहाँ एड पे क्लिक किया था, वर्चुअल मशीन बनाई थी और उसके सारे ऑप्शन आ गए थे मेरे पास कि कैसे बनाना है वर्चुअल मशीन, कैसे नहीं बनाना है वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शन आ गए थे मेरे पास। अब क्या है कि लेट सपोज मैंने 10 वर्चुअल मशीन बना ली और वो 10 वर्चुअल मशीन मैंने एक एक करके बनाई है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब मुझे वो 10 की 10 वर्चुअल मशीन किसी रीजन से डिलीट करनी है,
बट मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दोबारा भी बना सकूँ, तो आप कैसे उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं, कैसे आप उस उन वर्चुअल मशीन्स को या उन रिसोर्सेज को, कोई भी रिसोर्सेज हो एजोर के, दोबारा बना सकते हैं बिना वन बाय वन किए हुए जाके, राइट? तो लेट्स सपोज मैं कोई रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, अब आप देख रहे हो इस रिसोर्स ग्रुप में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, एक रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट है, एक IoT हब है, एक SQL डेटाबेस है, SQL सर्वर है, स्टोरेज अकाउंट है, ऐप सर्विस है, मैं इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट मार दूंगा तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा बना सकूँ मे बी आगे कभी, और मुझे कोई इशू ना आए, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू ना आए, जो सेटिंग्स है वो वैसे के वैसे ही रहे, नाम में कोई इशू ना आए, और सारे रिसोर्सेज बने, कोई कम ज़्यादा ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिसोर्स ग्रुप में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट टेम्पलेट का, इस टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये क्या है, ये एक जेसॉन बेस्ड टेम्पलेट है। क्या है, ARM टेम्पलेट एक जेसॉन बेस्ड टेम्पलेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बेस्ड टेम्पलेट है, जो आपको आपका इंफ्रा एज अ कोड सेव करने का फीचर देती है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो मैंने बना रखे हैं, अगर मैं इनको एज अ कोड कहीं सेव कर लूं जो कि रीयूजेबल हो, आराम से क्रिएट कर सके, मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ना हो, प्रोन टू एरर्स ना हो, प्रोन टू मैनुअल एरर्स ना हो, उसके लिए क्या है, उसके लिए आप इस टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस टेम्पलेट को, इस ऑप्शन से ये हो गई आपकी टेम्पलेट डाउनलोड। तो अगर मुझे कभी दोबारा ये रिसोर्सेज बनाने हो सेम एग्जैक्ट बिना किसी इश्यूज के, तो यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को रन करके दोबारा बना सकता हूँ। ठीक है, तो ARM टेम्पलेट्स का यूज क्या है और ये कैसे हेल्प करती है हमें? सी, ARM टेम्पलेट्स जेसॉन बेस्ड टेम्पलेट होती है, विच अलाउज यू टू स्टोर योर इंफ्रा इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी कहते हैं। फायदा क्या है, आपके एक तो आपके पास कोड बेस बैकअप हो गया आपके रिसोर्सेज का, ठीक है, क्विकली रिक्रिएट कर सकते हो, मैनुअल एरर्स नहीं आते इसमें क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट्स ऑलरेडी सेव्ड एज अ कोड, राइट? उसके अलावा कोई भी आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं, कुछ वेरिएबल्स चेंज करने हैं एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, आप वो भी कर सकते हो। आप ये कोड डिप्लॉय कर रहे हो, टेम्पलेट डिप्लॉय कर रहे हो, आप कह रहे हो यार वर्चुअल मशीन का नाम चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो पैरामीटर्स में जाके, जब आप कोड डिप्लॉय कर रहे हो चेंज कर दो उसको उस टाइम पे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, ARM टेम्पलेट से। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया ARM टेम्पलेट, अब कुछ बना के देख लेते हैं ARM टेम्पलेट से, राइट? क्योंकि अगर हम कुछ बना के देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करती है ARM टेम्पलेट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास ऑटोमेटिकली पड़ी है, मतलब लोगों ने बना के रखी हुई है, जो बंदे हैं उन्होंने टेम्पलेट बना रखी है, तो वो टेम्पलेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? तो अगर मैं चाहता हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा पहले गूगल पे जाके क्विक स्टार्ट टेम्पलेट का, ठीक है, क्विक स्टार्ट टेम्पलेट्स एज़्योर गिटहब या क्विक स्टार्ट टेम्पलेट अगर आप लिखोगे तो ये लिंक आ जाएगा आपके पास गिटहब का, यहाँ पे लोगों ने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई मेरे मेरे लिए कोई टेम्पलेट है, मतलब मुझे एक VM डिप्लॉय करनी है, सैम्पल VM डिप्लॉय करनी है, तो क्या मेरे पास कोई टेम्पलेट है, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ सिंपल, ओके वन सेकेंड, ये आ गया मेरे पास एक सिंपल विंडोज VM की टेम्पलेट आ गई, राइट? ये क्या करेगी, ये सिर्फ एक विंडोज VM डिप्लॉय करके दे देगी मेरे को, तो ये टेम्पलेट आपको अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आपको इसका कोड देखना है तो ये रहा इसका जेसॉन में कोड, यहाँ पे आप क्लिक करो ये आपका कोड आ जाएगा, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ये मैं बताऊंगा जब हम जाएंगे आगे वाले कोर्स में कि जेसॉन को कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्होंने यूजर नेम डिफाइन कर दिया, एडमिन यूजर नेम ये इसका पैरामीटर है, एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड VM का पासवर्ड डिफाइन कर दिया, मिनिमम लेंथ 12 होनी चाहिए पासवर्ड की, ये भी बता दिया, DNS लेबल क्योंकि
क्योंकि ये वीएम के साथ आपको डीएनएस लेबल चाहिए होगा, वो भी इन्होंने दे दिया। पब्लिक आईपी, इसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी डिफाइन कर दी। किस टाइप की होगी पब्लिक आईपी? एलोकेशन कैसे होगा? डायनामिक, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ओएस कौन सा मिल सकता है? बाय डिफॉल्ट ये 2019 डेटा सेंटर वर्जन ले लेगा विंडोज का, बट आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनमें से सेलेक्ट नहीं करते तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इसके बाद वीएम का साइज क्या होगा? साइज यहाँ पे डिफॉल्ट दे दिया इन्होंने, स्टैंडर्ड D2 V3। लोकेशन, लोकेशन आ ये रिसोर्स ग्रुप से उठा लेगा जहाँ पे आप डालोगे। और वीएम नेम, वीएम नेम आप दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी वीएम की सिंपल वीएम, मतलब वीएम का नाम हो जाएगा सिंपल वीएम, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। वेरिएबल्स आ गए, निक का नाम, एड्रेस प्रिफिक्स, कहाँ पे किस वीनेट में बनेगा, सबनेट नेम, सबनेट प्रिफिक्स वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ये टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है। अब हम इस टेम्पलेट को डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिप्लॉय टू एजोर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऑटोमेटिकली जिस भी अकाउंट से आप साइन इन होंगे एजोर में, वो अकाउंट ये ले लेगा। बट एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि वही अकाउंट है ना, तो ये वही अकाउंट है, राइट। तो ये सैम्पल विंडोज, सिंपल विंडोज वीएम की जो टेम्पलेट थी वो मैंने अपलोड करी है। ये मेरे से ऑप्शन मांग रही है अबाउट रिसोर्स ग्रुप। आपने देखा होगा यहाँ पे पैरामीटर्स पे इसने रीजन मांगा है, वर्चुअल मशीन नेम मांगा है, यूजर नेम मांगा है, पासवर्ड मांगा है और कंफर्म पासवर्ड करने को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर आप इस टेम्पलेट में जाओगे, राइट, अगर आप लेट सपोज बैक जाते हो और इस टेम्पलेट में जाते हो, तो वहां पे ये पैरामीटर्स ही डिफाइंड है, रीजन, वर्चुअल मशीन, यूजर नेम वगैरह वगैरह, ज्यादा पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे रिसोर्स ग्रुप में डालनी है। लेट सपोज माई रिसोर्स ग्रुप में डालनी है ईवीएम। ऑटोमेटिकली मैंने माई रिसोर्स ग्रुप लिया, जो उसका रीजन था वो यहाँ पे आ गया। अगर मैं माई डेमो आरजी लेता हूँ तो उसका रीजन ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि रीजन की लोकेशन कहाँ से ले रहा था, वो रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन से, जो मैंने आपको टेम्पलेट दिखाई थी। बाय डिफॉल्ट विंडो वर्चुअल मशीन का नाम क्या था? सिंपल वीएम, बट मैंने कहा था कि आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है तो किसी नाम में। यूजर नेम आप दे सकते हो उसके अंदर, पासवर्ड दे सकते हो, 12 कैरेक्टर्स था पासवर्ड, तो उससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। वो हमने टेम्पलेट में डिफाइन कर रखा था। वर्चुअल मशीन सेटिंग, मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट 2019 डेटा सेंटर आएगा, बट उसके अलावा जो ऑप्शंस थे वो वहां पे अवेलेबल थे, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे वहां पे, ये आपको यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन का साइज आ गया, आप इसको चेंज कर सकते हो। पब्लिक आईपी आ गई। डीएनएस प्रीफिक्स चाहिए तो इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम को कैपिटल में ले लिया है इसलिए वहां पे इश्यू आ रहा है, तो इस नाम को ऐसे रख लेते हैं एंड इसको भी छोटा कर लेते हैं, तब नहीं आएगा हमें, राइट। एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये क्रिएट किया, ये आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई बननी थ्रू टेम्पलेट। तो अभी हमने टेम्पलेट का यूज करके बस एक वर्चुअल मशीन बनाई है विंडोज बेस्ड। आप इसका यूज करके 10, 15, 20, 30 जितने चाहे रिसोर्सेज एक बारी में क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि तो ये तो कोड है, आपको अपलोड करना है, डिप्लॉय करना है, दैट्स इट, राइट। बट कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास क्विक स्टार्ट में नहीं है, तो अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो आप कैसे करोगे? आप जाओगे डिप्लॉयमेंट्स में, आप लिखोगे डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिप्लॉय कस्टम टेम्पलेट का। तो जो टेम्पलेट आपने अपलोड, सॉरी डाउनलोड करी है, उसे लेके यहाँ पे जाइए, बिल्ड योर ओन टेम्पलेट इन द एडिटर, यहाँ पे वो फाइल लोड कर लीजिए। जैसे मैंने वो डाउनलोड करी थी, मैं यहाँ पे लोड कर लूंगा, खुल जाएगा मेरा, क्या कहते हैं, मेरा कंप्यूटर का वो एरिया खुल जाएगा जहाँ पे आपकी वो जिप फाइल फटी हुई है, और एक्चुअली तो जिप फाइल थी इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट लोगे, लाइक सपोज मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा से एंड डाउनलोड, ये आ गई मेरी template.json, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर आप कैंसिल करते हो इस टाइम पे, फिर बिल्ड योर ओन टेम्पलेट इन द एडिटर, लोड फाइल,
अब आप यहाँ से फाइल के फोल्डर में जाके इनको फाइल को ले लीजिए, राइट। तो ये आ गई आपकी पूरी की पूरी फाइल, देख रहे हो आप, जो वो आईओटी मैंने हब बनाया था, वेब ऐप बनाया था वगैरह वगैरह, वो सारी आ गई। तो अब मैं इसको ले जाके सेव करके इनको भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, तो सेम रिसोर्सेज दोबारा से डिप्लॉय हो जाएंगे जो मैंने ARM टेम्पलेट ली थी वो वाली, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे इनको डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ी देर में हमारी VM बन के तैयार हो जाएगी, जो माई डेमो RG में होगी। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, राइट। सो हम कुछ देर बाद उस VM को देख सकेंगे। इनफैक्ट अगर हम VMs पे जाते हैं तो शायद अवेलेबल होनी शुरू हो गई होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गई है एंड स्टेटस क्रिएटिंग में है, क्योंकि अभी बन रही है। ओके, सो दैट्स हाउ यू डिप्लॉय एन ARM टेम्पलेट। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम ARM टेम्पलेट? नो क्वेश्चन, क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है VM विद पावर शेल, तो हमें पावर शेल से भी बनाना आना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको अभी ये डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो रिसोर्सेज आप एजर पोर्टल से बनाओगे उसके इक्विवेलेंट रिसोर्सेज आपको पावर शेल से बनाने भी आने चाहिए एटलीस्ट, राइट। CLI से भी कर सकते हो अगर आपको आपका मन करे तो, बट पावर शेल से तो एटलीस्ट आने चाहिए, बिकॉज एज एन आर्किटेक्ट पावर शेल आना बहुत जरूरी है इन माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब हम सेकेंडली बनाते हैं VM विद पावर शेल। बिफोर वी ट्राई दिस, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये यह ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन करके, एक ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, इसे हम कहते हैं क्लाउड शेल, जिसकी मदद से आप दो काइंड ऑफ कॉन्सोल्स खोल सकते हो विद इन द ब्राउजर। एक Azure CLI का कमांड लाइन इंटरफेस का, ये देख सकते हो बैश बेस्ड कंसोल खुल रहा है आपका, या आप खोल सकते हो पावर शेल का कंसोल, राइट। दोनों खुल जाएंगे आपके ब्राउजर के अंदर ही। यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड चला सकते हो, डायरेक्टली पावर शेल या Azure CLI की कमांड चला सकते हो। बट जब बात आती है लोकली इंस्टॉल करने की, तब आप कैसे करोगे? सी, पावर शेल तो हर मशीन में इंस्टॉल्ड होता है विंडोज की, राइट। तो उसको तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है विंडोज पावर शेल को, तो क्या इंस्टॉल करने की जरूरत है? हमारे पास मॉड्यूल होना चाहिए पावर शेल का, ओके। तो एक कमांड होती है, अगर आपने विंडोज पावर शेल है आपके कंप्यूटर पे और आपका इंटरनेट कनेक्टेड है और आपके कोई इश्यू नहीं है फायरवॉल वगैरह का, तो एक कमांड होती है जिसे हम कहते हैं इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल फॉलोड बाय AC। ये मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना होता है, ओके, सॉरी AC। जब आप इस कमांड को एंटर हिट करते हो तो ये एक URL पे जाती है, वहां से जो ये Azure का AZ मॉड्यूल है इससे रिलेटेड सारी कमांड को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये डाउनलोड करके कहाँ पे सेव कर देती है? आपके सिस्टम में आप जाओगे सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ये विंडोज पावर शेल का फोल्डर है मॉड्यूल्स का। यहाँ पे आप देख रहे हो एजर के मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ से भी देख सकते हो आप, और प्रोग्राम फाइल्स x86 में भी जाके आप देख सकते हो। दोनों में ही आपको मॉड्यूल्स के फोल्डर मिल जाएंगे, ये एजर के फोल्डर आप देख सकते हो जो मुझे एजर की कमांड्स दे रहे हैं, ठीक है। AZ से पहले एक मॉड्यूल हुआ करता था जिसका नाम है एजर RM, तो ये पुराना है थोड़ा, बट जो लेटेस्ट है वो AZ है। तो अगर आपको लोकली अपने पावर शेल पे चाहिए तो आपको ये AZ मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है कि लोकली इंस्टॉल करने के लिए AZ मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करना है। अब क्या है, अब बात आती है कमांड्स की, तो हम कमांड चला के देख लेते हैं कि कमांड चल रही है या नहीं चल रही है और कैसे पावर शेल के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बना के देखते हैं VM पावर शेल के थ्रू। अब क्या कोड लगेगा इसके अंदर? सबसे पहले हमें रिसोर्स ग्रुप चाहिए। रिसोर्स ग्रुप बनाने की कमांड है न्यू हाइफन AZ रिसोर्स ग्रुप, तो ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप इसको यहाँ भी चला सकते हो और क्लाउड शेल में भी चला सकते हो, दोनों जगह पे चला सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका
मन करे तो अगर मैं यहाँ चलाता हूँ न्यू हाइफन एजी रिसोर्स ग्रुप, राइट, तो सबसे पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ रिसोर्स ग्रुप, उसका नाम देता हूँ, नाम क्या होगा, लेट सपोज पावर शेल। जब मैं लोकली पावर शेल इंस्टॉल करके इसको रिसोर्स को बनाऊंगा, तो वो मेरी पावर शेल जो लोकली इंस्टॉल्ड है मेरे अकाउंट से तो लिंक होनी चाहिए ना वो, हाँ ताकि मेरे हाँ गुड और अकाउंट गुड में। क्वेश्चन। उसके लिए आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी सबसे पहले, वो है लॉग इन हाइफन एजी अकाउंट, या दूसरी कमांड इसी की जैसी कमांड है कनेक्ट हाइफन एजी अकाउंट। ये लॉग इन हाइफन एजी अकाउंट डाल दोगे आप तो ये क्या करेगा, ये आपको एक पॉपअप दे देगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, जिस भी अकाउंट से आपको कनेक्ट होना है, फिर आप कनेक्ट हो जाओगे उससे, फिर आप सारी कमांड डाल ठीक सकते हो। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ब्राउजर पे, क्योंकि ब्राउजर पे आप ऑलरेडी साइंड इन हो तो आपको डालने की जरूरत है नहीं, है ना, ये तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है। तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बनेगा, मैंने इसको पावर शेल रिसोर्स ग्रुप नाम दे दिया, और इसकी लोकेशन मैंने डाल दी ईस्ट US, राइट, तो मैं डाल देता हूँ ईस्ट US, कोई भी लोकेशन डाल सकते हो आप। तो इससे आपका रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, हम साइड बाय साइड चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि रिसोर्स ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आ गया आपका पावर शेल रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, जो अभी हमने बनाया था। अब अगर हमें वीएम बनानी है तो उसके लिए कमांड है न्यू हाइफन एजी वीएम, ठीक है, वीएम बनानी है तो रिसोर्स ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, मैंने दे दिया पावर शेल आरजी। अब वीएम का नाम देना पड़ेगा, वीएम का नाम क्या है, वीएम का नाम मैं दे देता हूँ लेट सपोज पावर शेल VM, ठीक है, सॉरी, या नेम हो गया VM का। कौन सी लोकेशन में बनानी है आपको VM, ईस्ट US, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ईस्ट US डाल के दे दिया, ठीक है। अब बात आती है कि लोकेशन हो गया, अब इसको एक वर्चुअल नेटवर्क भी तो चाहिए, तो वो वर्चुअल नेटवर्क भी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस वर्चुअल नेटवर्क का मैंने नाम दे दिया लेट सपोज, वीनेट अगर हम नहीं मेंशन करते तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं लेता ना, जैसे हमने प्रैक्टिकल में हाँ किया था फर्स्ट टाइम भी हम बनाई थी, तो वही वीनेट नहीं बनाया था उस टाइम हाँ पे। हाँ हाँ ठीक तब नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल नेटवर्क डालता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क नेम, तो लेट सपोज मैंने कोई नाम डाला जैसे माई पावर शेल वी नेट। अब इस नाम का वर्चुअल नेटवर्क तो है नहीं, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कौन सा सबनेट है उसका नाम देना पड़ेगा। लेट सपोज डिफॉल्ट सबनेट है कोई, तो उसका, ये बस मैं आपको कमांड दिखा रहा हूँ, ये आपको एक्चुअली खुद बनाना है। इसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप सिक्योरिटी ग्रुप दे सकते हो, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये आप टैब प्रेस करोगे ना तो सारे जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप नेम वाला भी आपको अगर देना है तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। ये पैरामीटर आ गया आपका, तो इसका जो नाम है वो आप नाम दे सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा ये बाकी सारे पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक पब्लिक आईपी एड्रेस अगर आपको देनी है तो पब्लिक आईपी एड्रेस का भी इसमें आपके पास पैरामीटर है, ये रहा पब्लिक एड्रेस नेम, इसको भी आप देख सकते हो। बट वीएम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वीएम के लिए इंपॉर्टेंट है कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनना है, क्या नाम है उसका, उसकी लोकेशन, वर्चुअल नेटवर्क का नाम, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप नेम और पब्लिक आईपी एड्रेस, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे।
ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल मशीन. और राइट, इसको आप डालोगे एंड आफ्टरवर्ड्स योर वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड. ओके, अब आती है नेक्स्ट चीज इसके अंदर, वो है थ्रू सी एल आई. सी एल आई के थ्रू कैसे बनाओगे आप? नाउ अगर हम सी एल आई की बात करते हैं तो उसमें सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है. हाँ, सबसे पहली चीज, आप एजर सी एल आई इंस्टॉल कैसे करोगे? एजर सी एल आई इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑब्वियसली गूगल पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा एजर सी एल आई. यूजली आपका काम नहीं होगा एजर सी एल आई पे, बट क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें पता होना चाहिए. तो ये ऑप्शन आता है इंस्टॉल ऑन विंडोज, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं. अदरवाइज अगर सिर्फ आपको कमांड चलानी है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं बैश में, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपका सी एल आई में. ठीक है, अब इसकी कमांड थोड़ी ना इजी होती है और डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो आपको सीधा ये लिखना है एजी ग्रुप क्रिएट, उसका नाम क्या होगा, डबल डैश से डिनोट करते हैं हम नेम को, नेम लेट्स सपोज सी एल आई आर जी, सी एल आई आर जी देना है मुझे. ठीक है, ये दिया नाम, और लोकेशन हमें देनी है तो हमने दे दी ईस्ट यूएस. तो इसमें कोई न्यू हाइफन एजी रिसोर्स ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, एजी से स्टार्ट होगी कमांड. जो बनाना है उसका नाम दीजिए, ऐसे रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो ग्रुप लिख दिया. क्या करना है, क्रिएट करना है. डबल डैश से पैरामीटर डिफाइंड होते हैं, नेम लोकेशन आपने दे दी, हिट किया एंटर और आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया. ये सक्सेडेड वाला मैसेज आना चाहिए प्रोविजनिंग स्टेट में. यहाँ जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे एक्चुअली बन चुका है. अभी एक दो मिनट लगेंगे इसको रिफ्लेक्ट होने में. राइट, सो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में ये. और अगर आपको वीएम क्रिएट करनी है तो उसको वो भी बहुत सिंपल है, एजी लिखा आपने कमांड में, एजी लिखा, क्या बनानी है, वीएम बनानी है, क्रिएट राइट, डबल डैश से पैरामीटर दिए, नेम दे दिया वीएम का, जो भी आपका नेम है एक्स वाई जी राइट. उसके बाद डबल डैश से रिसोर्स ग्रुप दिया, थोड़ा सा इसका सिंटेक्स अलग है और ऑब्वियसली बात है ये इनका तो पूरा कोर्स होता है अपना एजर सी एल आई और पावर शेल का, सिंटेक्स का और इन सब चीज़ों का, बट थोड़ा बहुत हमें बेसिक्स पता होने चाहिए और ये काफ़ी ईजी होता है बताने के लिए. तो वी एम क्रिएट हो गई, आपका नेम डाल दिया, रिसोर्स ग्रुप डाल दिया, लोकेशन डाल सकते हो आप ऐसे ही राइट. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है तब हम वी एम बना रहे हैं. ओके, सो ये आपका हो गया सी एल आई का राइट. अब ये इसकी लैब को आपको कहाँ से करना है, अगर आपको पूरी करनी है लैब तो आप कहाँ से करोगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजर, आपको लिखना पड़ेगा एजी 900 गिटहब, ये आपका लिंक है और यहाँ पे आपके वॉक थ्रूज हैं राइट. तो जो भी आपको लैब करनी है, जो भी अभी तक हमने लैब करी है उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर आपको चाहिए, जैसे पावर शेल वाले इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे. तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. कोई सी भी लैब आपको, वैसे तो सारी लैब आपकी वीडियोस में अवेलेबल हैं जो भी अभी हमने करी हैं, बट पावर शेल और सी एल आई की आपको खुद करनी होंगी लैब्स राइट, जिसको करके देखना होगा क्योंकि सेम चीज़ है, बना ये वी एम ही रहा है बट स्टेप्स अलग अलग हैं, विद पावर शेल बना रहा है, विद सी एल आई बना रहा है. तो ये मैं आपको यहाँ पे चैट पे दे देता हूँ और ये दोनों आप एक बारी करके जरूर देखिएगा, बस एक ही बारी करना है, आपको कमांड से फैमिलियर होना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है, वो भी इसलिए बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं पावर शेल और एजर सी एल आई के, तो थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी होनी चाहिए. ओके, एनी क्वेश्चंस सो फार इसमें?
पावर शेल, एजर, सीएलआई, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं ये नहीं तो कोई बस आपको क्वेश्चन नहीं। प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस करके आपको ये हाँ सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम आते हैं ठीक फाइनल, है मॉड्यूल का एंड होने वाला है, तो अब हम लेंगे क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर करना है, ठीक है? तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। एक सेकंड, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स डेटा रेजिडेंसी एंड कंप्लायंस नीड आर मेट फॉर कस्टमर्स हु नीड टू कीप देयर डेटा एंड एप्लीकेशन क्लोज? जगह ज्योग्राफीज। क्यों? क्योंकि डेटा रेजिडेंसी और कंप्लायंस नीड डिपेंड करती है ज्योग्राफी पे। जैसे हमने पढ़ा था, यूरोप एक ज्योग्राफी है, अमेरिकाज एक ज्योग्राफी है, राइट? हमने जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस मॉड्यूल ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ज्योग्राफीज इज द आंसर। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ऑल रिसोर्सेज दैट आर पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड शेयर द सेम लाइफ साइकिल शुड एग्जिस्ट इन द सेम। राइट, रिसोर्स ग्रुप में, क्योंकि जहां भी सेम लाइफ साइकिल आता है और जो एक एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पार्ट है, वो एक रिसोर्स ग्रुप में होने चाहिए आइडियली। विद एज़्योर कंप्यूट रिसोर्सेज कैन यू यूज टू डिप्लॉय अ मैनेज ऑफ कैन यू यूज टू डिप्लॉय टू मैनेज अ सेट ऑफ आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन व्हिच एज़्योर कंप्यूट रिसोर्स? आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन कहाँ बनती है? आइडेंटिकल अवेलेबिलिटी सेट्स में, नहीं, नहीं स्केल सेट्स में, सॉरी स्केल स्केल सेट सेट्स में में। बनती है। स्केल सेट में सेम, क्योंकि हम स्केल आउट करते हैं उसके अंदर, तो सेम आइडेंटिकल वीएम बनती जाती है, बनती जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज व्हेन यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द कोड रनिंग योर सर्विस एंड नॉट द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? ये तो बहुत सिंपल है। ऐप सर्विसेज, नहीं, रनिंग योर कोड, कोड, फंक्शन फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस, फंक्शंस, राइट? हाँ रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स यूज व्हिच फॉर्मेट? जेसोन। जेसॉन। Which of the following service is a distributed network of servers that can efficiently deliver web content to users? ये भी हमने पढ़ा था। मैंने इसमें आपको Netflix का, YouTube का एग्जांपल दिया था। हाँ ये वेब कंटेंट, कॉस्मोस डीबी, नहीं, ये कंटेंट हाँ डिलीवरी सीडीएन, नेटवर्क, सॉरी सीडीएन सीडीएन, CDN में सॉरी आएगा। कंटेंट, हाँ हाँ, कंटेंट कंटेंट डिलीवरी डिलीवरी। नेटवर्क। Which of the following is optimized for storing massive amount of unstructured data such as videos and images? Unstructured data. ब्लॉब्स, Blobs. Which of the following is a part of Azure Artificial Intelligence Service? AI में कौन सी सर्विस आती है इनमें से? सेकंड, सेकेंड वाली ए मशीन लर्निंग Azure Machine सर्विस, Learning Service. Development collaboration tool, high performance pipeline, free private Git repositories, Kanban boards. अभी जस्ट हमने पढ़े हैं DevOps डेवऑप्स में। सर्विसेज, Which Microsoft Azure data centers are organized and made available by? डेटा सेंटर रीजन्स, Regions में आते हैं। Which of the following is used to ensure availability during maintenance events? मेंटेनेंस इवेंट में हमारा ये अवेलेबिलिटी सेट में भी हो जाता है और जोन में भी हो जाता है। अवेलेबिलिटी सेट में ही होता है। अवेलेबिलिटी जोन तो हमारे डेटा सेंटर उसके लेवल पर आ जाते हैं ना। तो मेंटेनेंस में अगर बात करते हैं अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन की, तो अवेलेबिलिटी सेट आता है, राइट ठीक है? व्हिच इज ट्रू अबाउट लोड बैलेंसर, एज़्योर लोड बैलेंसर? इट डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक अमंग सिमिलर सिस्टम मेकिंग योर सर्विसेज मोर हाईली अवेलेबल, या वर्क्स विद इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक ओनली, या इफ यू यू मस्ट यूज एज़्योर लोड बैलेंसर इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अमंग योर वर्चुअल मशीन्स रनिंग इन एज़्योर? और लोड कौन सा? बैलेंसर, ये HTTP और HTTPS के ऊपर करता है ना, वो वाला है ना ये जो ट्रैफिक को वो तो एप्लीकेशन गेटवे है, ये जो, लोड बैलेंसर है, हाँ नॉर्मल एप्लीकेशन, लोड बैलेंसर। तो ये तो वही है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलर सिस्टम, थर्ड वाली ऑप्शन ही होगी। फर्स्ट वाली क्यों नहीं हो सकती? सिमिलर सिस्टम्स है ना, अमंग सिमिलर सिस्टम मेकिंग योर सर्विसेज मोर हाईली अवेलेबल, सिमिलर सिस्टम वर्ड मेरे को लग रहा है कि चलिए देख लेंगे इसका आंसर हम बाद में। ओके, यू आर मैनेजिंग वन ऑफ द एजर सर्विसेज रिमोटली फ्रॉम एंड्रॉइड फोन। Which management tools will best allow you to manage remotely from your Android phone with least amount of administrative effect? आप फोन से काम कर रहे हो? Azure portal, portal ही होगा ऑब्वियसली। Obviously, right? Which of the following terms ensure, ये तो same question repeat हो गया, ठीक है? चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं आंसर्स आपके। पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे थे बट तीसरे वाले में, बट ठीक है आंसर।
ये आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ब्लॉब्स ठीक है, मशीन लर्निंग सर्विस ठीक है, डेवॉप्स ठीक है, रीजन्स ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट ठीक है। यहाँ पे आपका पहला आएगा, राइट? क्यों आएगा पहला? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट यूज एजर लोड बैलेंसर इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अमंग योर वर्चुअल मशीन्स रनिंग इन एजर। ये ठीक है स्टेटमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट इसमें से इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है अमंग योर वर्चुअल मशीन्स, तो सिर्फ वर्चुअल मशीन में यूज नहीं होता लोड बैलेंसर, वर्चुअल मशीन स्केल सेट में भी यूज होता है लोड बैलेंसर, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जिसमें हम एजर लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, याली स्टेटमेंट क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अमंग सिमिलर सिस्टम मेकिंग योर सर्विसेज मोर हाईली अवेलेबल। जब बात सिमिलर सिस्टम की आ जाती है तो बात सिर्फ एक वर्चुअल मशीन की बात नहीं रह जाती है, यहाँ पे बात आ जाती है उन सिस्टम्स की जो सेम काइंड ऑफ वर्कलोड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं दो वर्चुअल मशीन से भेज रहा हूँ, राइट, और दोनों अलग अलग वर्कलोड डाल रही हैं, तो फायदा क्या हुआ लोड बैलेंसर का? लोड बैलेंसर का तो फायदा वो है जब जब वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस एप्लीकेशन पे जो सिमिलर है, जो दोनों वर्चुअल मशीन पे सेम चल रही है, या वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे सेम चल रही है, तो सिमिलर सिस्टम में यहाँ पे ज्यादा मतलब राइट आंसर जो होगा आपका ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आपका हो गया Azure CLI। ओके, ये तो सी तो एल ये आई कह रहे तो हैं। ये तो ये तो शायद मुझे भी थोड़ा मैंने भी एप्लीकेशन यूज नहीं करी है, तो मुझे भी नहीं पता कि ज्यादा लीस्ट अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट किस में लगेगा। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सो व्हाइल इट्स टेक्निकली पॉसिबल टू ओपन द Azure पोर्टल, ओके, इट इज नॉट अ बेटर ऑप्शन देन यूजिंग द मोबाइल ऐप Azure CLI और इवन क्लाउड शेल। ठीक है, तो इसमें दे आर सेइंग Azure CLI, तो ऑब्वियसली इट शुड बी Azure CLI देन, बट आई थिंक पोर्टल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होना चाहिए, बट सिंस दे आर प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन एंड मैंने यूज़ नहीं करी है एप्लीकेशन कभी काम करने के लिए, तो विल गो विद Azure CLI इन दिस वन। ठीक है, 14th हमारा सही है एंड दैट इज ऑल। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो दो मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, दैट मीन्स मोर देन 50% हमने कवर कर लिया है इसी 900 में। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इसी में ही मॉड्यूल 3, राइट, वो भी करके देखेंगे। ये सबसे बड़ा मॉड्यूल था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे इसी में से, ये सारी सर्विसेज में से, राइट? सो एनी क्वेश्चंस अप अंटिल हेयर? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये पावर सेल की है जो सभी कमांड्स CLI और पावर शेल की कमांड से फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, उसमें आपको टाइम लगेगा, नो डाउट, क्योंकि उसमें बल्कि मुझे थोड़ा एक दिन सेशन भी लेना पड़ेगा आगे चल के, जब आप AZ 900 का सर्टिफिकेशन कर लोगे उसके